सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आपके सम्मान में, समाजवादी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, समाजवादी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, समाजवादी मैदान में। आज ये जुलूस बेटियों के लिए है, महिलाओं के लिए है और उन्नाव पीड़िता के लिए है, जिसके साथ बिल्कुल फिल्मों की तरह घटनाएं घटी हैं। जैसे कि फिल्मों में विलेन करते हैं जिस तरह से, उसी तरह से आज योगी सरकार में जहां पे कानून इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी सरकार आई है कानून नाम की चीज़ नहीं है। उन्नाव में पीड़िता के साथ पहले गैंगरेप होता है, उसके बाद उसके पिता को मारा जाता है, उसके बाद उसके रिश्तेदारों को मारा जाता है, उसके रिश्तेदारों को जेल में भेजा जाता है कंप्रोमाइज करने के लिए, तब भी वो रेप नहीं करती है। तो दो दिन पहले खुद पीड़िता के को जानबूझ के ट्रक द्वारा एक्सीडेंट करवाया जाता है, जो उन्नाव विधायक है उसके द्वारा। इस तरह से योगी सरकार में भाजपा के विधायक पूर्णतया बिल्कुल गुंडागिर्दी पे आमादा है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और बेटियां इस सरकार में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से ये घटनाएं घट रही हैं, इसलिए आज हम लोगों ने बेटियों को के लिए ये जुलूस निकाला है। क्या कहीं ज्ञापन वगैरह भी दिया है? जी नहीं, अभी कोई ज्ञापन नहीं दिया है। अगर ये सरकार विधायक को बर्खास्त नहीं करती है तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और ज्ञापन भी देंगे, सब कुछ करेंगे। आगे जो लड़ाई होगी हम पीड़िता के पक्ष में पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कानून बनता दोस्त है, माफिया मस्त है, महिलाओं के सम्मान में, समाजवादी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, समाजवादी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, समाजवादी मैदान में, कानून बनता दोस्त है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।